नमस्कार, होम डेकोर आइडियाज देसी अंदाज में आपका स्वागत है। और आज हम एक स्टोन पेंटिंग देखेंगे जिसके लिए मुझे 3 पत्थरों की ज़रूरत है। आप चाहो तो ज़्यादा भी ले सकते हो। और इस तरह से मैंने छोटे छोटे 3 पत्थर लिए हुए हैं, पेबल्स हैं, ये पेबल्स लिए हुए हैं मैंने। और मेरे पास है फेविक्रिल के एक्रेलिक कलर्स, आप जो चाहे वो कलर इसको दे सकते हैं। मैंने 2-3 कलर सिलेक्ट किए, 3 कलर। तो चलिए हम इसको पहले कलर कर लेते हैं। आप चाहो तो पहले इसको वाइट कलर दे सकते हो और फिर इसके ऊपर ये जो कलर है वो दे सकते हो, या फिर मैं इसी कलर के 2 कोटिंग करूँगी ताकि ये कलर अच्छे से दिखे पेबल के ऊपर। और इसको हम थोड़ा सूखने देते हैं। और इसको मैं एक पेपर के ऊपर सूखने के लिए रख दूंगी। और इन 3 पत्थरों को हम सूखने के लिए रख देंगे। और इस पे मैं डबल कोटिंग कर लूंगी। 3 पत्थरों पे मैं उस कलर से डबल कोटिंग कर लूंगी और सुखा दूंगी उसको। और जब तक ये पेबल्स हमारा कलर जो दे चुके हैं वो सूख रहा है, तब तक हम ये मेरे पास ये बाम्बू का टुकड़ा है, एक बड़ा बाम्बू था उसमें से मैंने ये टुकड़ा कट कर लिया था। अब हम उसको भी कलर कर सकते हैं। चाहे तो भी हम इसको ऐसे ही कलर में रख सकते हैं, ओरिजिनल कलर भी बहुत अच्छा लगता है। और या फिर आप इसको ब्राउनिश कलर या दूसरा कोई सा भी कलर कर सकते हो। वुड है इसलिए मैं ये वुडन कलर दे रही हूँ उसको। और इस बंबू को ये खड़ा रह सकता है तो मैं इसको इसी तरह से सुखा लूंगी। और ये कलर जो हमने दिया हुआ था ये सारा सूख चुका है, पत्थर ये 3 पेबल्स भी सूख चुके हैं। अब मैं एक वाइट कलर लूंगी और इस वाइट कलर से मैं ब्लू के ऊपर एक डॉट दे दूंगी। और बाकी जो ऑरेंज और रेड वाला जो पेबल है उसके ऊपर हम ब्लैक से दे देंगे। ब्लू के ऊपर ब्लैक दिखता नहीं इसलिए मैंने वाइट कलर दिया उधर। और हम इसको सूखने देते हैं। और ये जो बाम्बू का टुकड़ा है इसको मैंने मेरे बालकनी में इस तरह से खील ठोक के दीवार में इस तरह से एक रस्टिक मेटल वायर लेके उससे बांध दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने ये जो 3 पेबल्स है उसको नीचे की साइड से डबल साइडेड टेप लगा दिया है। और यहाँ पर दीवार के ऊपर मैंने जो हमने ये डंडा लगाया था उसके ऊपर थोड़ा स्पेस छोड़ के दिया लगा के रखा है, चिपका दिया है। और ब्लैक कलर से मैं यहाँ पर उसकी बीक निकाल दूँगी। तो और यहाँ पर नीचे मैं उसके पैर निकाल दूँगी। और इनको भी मैं बीक निकाल दूंगी। और ये जो पैर है वो हम थोड़ा लंबे कर देते हैं इस तरह से। ये मैंने लंबे कर दिए और बहुत ही खूबसूरत ऐसा हमारा बर्ड्स तैयार हो गए और बालकनी में बहुत ही खूबसूरत ऐसे लग रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे खूबसूरत क्यूटी क्यूटी बर्ड तैयार हो गए और मैंने इसको बालकनी में लगा दिया है। बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। इस तरह से हम चाहो तो और भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स,
अगर आपको मेरा आज का यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जो भी अगला वीडियो रहेगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचेगा। थैंक यू सो मच।